डाकू ना है वहां पर? ठीक तो है ना वो, मैं आकर पूछ लेता, पर ये लकीर। डाकू मां ठीक तो है ना? आप तो ठीक हैं और आपके कोठी का भी ज्यादा नुकसान हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब कुछ नुकसान हुआ नहीं, नुकसान टल गया। पर ये हुआ कैसे? अब मतलब आप बची कैसे? बौंदता के कारण क्या? माफ कीजिएगा, आप वैद्य हैं ना, तो आपको जख्म कुरेद कर दिखाना पड़ता है, तभी तो आपको जख्म की गहराई समझ आती है। मुखिया जी, शुक्रिया आपको बौंदता का कहना चाहिए, क्योंकि बौंदता ने ही जान बचाई कालिंदी जी और ठाकुर माँ की और बाकी सब घर वालों की भी। क्यों, मैं सुना घड़े भर भर कर पानी फेंका जा रहा था तब जाकर आग बुझी है। सही सुना ना मैंने ठाकुर माँ? खबर पक्की है ना? गांव में ढिंडोरा पीटने की तेरी इस आदत की वजह से मुझे आज ये सब सुनना पड़ रहा है। वाह ठाकुमा वाह, प्रशंसनीय है आपकी ये दोहरे मापदंड, तारीफ करनी चाहिए इनकी वाकई। मुखिया जी, कुछ दिन पहले एक घड़ा फोड़ दिया गया था। और क्यों? क्योंकि बौंदता ने उसे छू दिया है। एक मिनट ठाकुमा, आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये कैसे पता? वैसे मैं आपको बताने की जरूरत तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मेरे घर पर बिहारी है, वो भी पनघट पर जाते हैं पानी भरने, जहाँ शायद रिमझिम काकी भी आती हैं। क्यों रिमझिम काकी? और हम तो उनके अंदाज से वाकिफ ही हैं, वो सुनती कम बोलती ज्यादा हैं, तो शायद उन्होंने बोल दिया होगा बिहारी को। तो मुखिया जी, यहाँ पर एक मटका फोड़ दिया गया था क्योंकि बौंदता ने उसे छुआ है। बौंदता को कहा गया कि उसका पानी को छूना पाप है। उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और उसे बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि बौंदता का महीना चल रहा है। महावरी चल रही है। मैं समझ नहीं पाता, पर ठीक है, शायद पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं होंगी, इसीलिए ठाकुर मां ने कहा ये सब। लेकिन मेरे मन में सवाल तब उठता है जब पता चलता है कि कल रात को इस कोठी में आग लग गई थी और ठाकुर मां को बौंदता ने बचाया। तो तब ये पाप नहीं था क्या ठाकुर मां? मैं समझ नहीं पा रहा कि पाप पुण्य में कैसे परिवर्तित हो गया इतनी आसानी से। तो इससे क्या साबित होता है गांव वालों? इससे यह साबित होता है कि हमारे पुराने रिवाज, हमारी पुरानी परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं जिसे मिटाया ना जा सके। हमें समझदारी दिखानी चाहिए ठाकुर मां की तरह, समय समय पर हालात के अनुसार रिवाजों में, परंपराओं में परिवर्तन लानी चाहिए। तो मुखिया जी, उसी राह पर चलिए जिस राह पर ठाकुर मां चली। आखिर ठाकुर मां एक औरत है, क्योंकि जब एक औरत एक दूसरी औरत की पीड़ा समझती है, उसकी व्यथा समझती है और उसके आधार पर नियमों में बदलाव लाती है, तो ऐसे निर्णय का मैं, अनिरुद्ध रॉय चौधरी, सम्मान करता हूं।